लुका 16 अध्याय 22 से 26 पद। और ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया, और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर इब्राहिम की गोद में पहुंचाया, और वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया, और अधलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से इब्राहिम की गोद में लाजर को देखा, और उसने पुकार कर कहा, हे पिता इब्राहिम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दें, ताकि वह अपने अंगुली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करें, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। परंतु इब्राहिम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है, और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है, और इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड़हा ठहराया गया है, कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे ना जा सकें, और ना कोई वहां से इस पार हमारे पास आ सकें। स्वर्ग और नर्क के संदेशों को सुनने के बाद बहुत से लोगों का जीवन प्रभावशाली तरीके से बदल गया। मुझे आशा है कि आपका हृदय नया बन जाए जब आप आज के संदेश को सुनते हैं। निचली कब्र वो स्थान है जहां दुष्टात्माएं अपनी पूरी बुद्धि का इस्तेमाल करती हैं ताकि अधिक से अधिक यातना और पीड़ा दे सकें। निचली कब्र का मुखिया लूसीफर है, जिसे परमेश्वर ने गिरा दिया और वह दुष्टात्माओं का सरदार बन गई। निचली कब्र की सजा नरक के दूतों के द्वारा दी जाती है। नरक के ये दूत क्या है? वे लूसीफर के दासों के समान हैं। निचली कब्र की सजा सामान्यतः चार अलग अलग स्तरों में विभाजित है दर्द के परिमाण के अनुसार। इन चार प्रकार के सजाओं को आपको बताने से पहले, सबसे पहले मैं उस सजा के बारे में आपको बताऊंगा जो बच्चों पर पड़ती है। वो बच्चे जो किशोर अवस्था से पहले मर गए, उन्हें अलग प्रकार की सजा दी जाती है। उन छोटे बच्चों के लिए सजा ऐसी है जिसमें वे सहज ज्ञान से ही डर, भूख और दर्द का एहसास करते हैं। वे अपनी मम्मी को ये सोचते हुए बुलाते हैं कि मैं यहाँ क्यों हूँ, मैं कौन हूँ, मम्मी पापा कहाँ हैं, मैं घर जाना चाहता हूँ। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, आपके बड़े बच्चों का क्या होगा? मुझे आशा है कि आप अपने बच्चों की अगुवाई प्रेम और धीरज के साथ करेंगे ताकि वे परमेश्वर का आदर करना सीखें। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों और जीसिन टीवी दर्शकों, कभी कभार आपको उन लोगों की गवाही सुनने को मिलती हैं जिन्होंने स्वर्ग को, नर्क को देखा है। कुछ लोग कहते हैं कि जब वे मरने वाले थे, उन्होंने स्वर्ग या नर्क को देखा और उसके बाद वे वापस लौट आए, और प्रभु के कुछ विश्वासियों ने भी स्वर्ग और नर्क को दर्शन या सपनों में देखा है, और उनमें से बहुतों का जीवन प्रभावशाली तरीके से बदल गया। स्वर्ग और नर्क को देखने के बाद उन्होंने एहसास किया कि वे अर्थरहित जीवन जी रहे थे। सुंदर स्वर को जाने बगैर ही उनमें से कुछ लोग आत्मिक रीति से जाग गए, ये सोचते हुए कि उन्हें ऐसे भयंकर नर्क में कभी नहीं जाना है, और उन्होंने बहुत ही जुनून भरा मसीह जीवन जीना शुरू किया। इस तरह के मुझे बहुत से पत्र संसार भर से प्राप्त होते हैं। वे कहते हैं कि उनका जीवन बदल गया मेरी किताब नर्क को पढ़ने के बाद। उनके जीवन का तरीका बदल गया, अब वो गुनगुना जीवन नहीं जीते हैं। वे जो पाप किया करते थे, वे मन फिरा चुके हैं, अब वे पाप नहीं करते। इस तरह के धन्यवाद के पत्र वो मुझे भेजते हैं। यह मामला प्रेरित पौलुस के साथ भी था। सिर्फ स्वर्ग में स्वर्गलोक को देखने के बाद वो और भी अधिक जोश के साथ सुसमाचार का प्रचार कर पाया। उसने अपनी सारी भली वस्तुओं को, अच्छे वातावरण को छोड़ दिया और रूखे मार्ग पर चल दिया। मेरे जीवन के साथ भी ऐसा ही था। खास तौर पर जब से मैंने उन आत्माओं को नर्क में पीड़ा उठाते हुए देखा, तो मैंने आत्माओं के उद्धार के लिए अपने जोश को बढ़ा दिया है। मुझे इस बात को मानना पड़ा है कि इसी जुनून के द्वारा मैं आज तक आ पाया हूँ। यद्यपि आपने उसे सीधे रूप से नहीं भी देखा है, तो भी आप ऐसा महसूस कर सकते हैं उसे, जैसे मानो आपने उसे देख लिया हो, छू लिया हो, जब आप इस संदेश को सुने। मुझे आशा है कि जब आप इस संदेश को सुने तो आपका हृदय नया बन जाए, आपका पाप से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, और साथ ही नर्क के प्रति डर के स्तर से कहीं आप आगे निकल सकें। आपके पास प्रभु का गवाह बनने का जुनून होना चाहिए और मृत्यु से आप बहुत सी आत्माओं को बचा सकें। मैं आपसे विनती करता हूँ कि ऐसा करने के द्वारा परमेश्वर के हृदय को आप महानता से तसल्ली दें।
इससे भी बढ़कर स्वर्ग की आशा आपकी महान होती जाएगी जब आप ऐसा करेंगे और आप बेहतर स्वर्ग के निवास स्थानों को बलपूर्वक थामने के योग्य हो पाएंगे। मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करता हूँ कि आप बाद में याद करने के योग्य हो पाए नई यरूशलेम में उन लोगों के साथ जिनको आपने सुसमाचार का प्रचार किया है कि इस धरती पर नरक के संदेशों के द्वारा आपका जीवन बदल गया। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, वे लोग जो उधार नहीं पाते हैं उन्हें नरक के दो दूत ले जाते हैं और वे इंतजार स्थल में जाते हैं जो निचली कब्र है। वो आत्मा जो देह से बाहर निकली है उसे बड़े गड्ढे में डाल दिया जाता है और वो 3 दिनों तक वहां रहती हैं। और इस समय के दौरान भद्दे और भयानक पक्षी आते हैं और अपने विशाल और नुकीली चोंच से उन्हें नोचते हैं, उनकी त्वचा छिल जाती है। और साथ ही इस समय के दौरान वे नर की अमानवीय दशा का भी एहसास करते हैं। 3 दिनों के बाद उन्हें अपने अलग अलग स्थानों में भेज दिया जाता है ताकि वे वहां अपनी सजा पाएं। वे ऐसे स्थान में चले जाते हैं जहां उन्हें सजा दी जाती है। लगातार उन्हें उनकी अपनी सजा मिलती रहती है उनके पाप के अनुसार, जब तक कि अंतिम न्याय ना हो जाए, महाश्वेत न्याय सिंहासन। जितनी प्रकार की सजाएं निचली कब्र में लोगों को दी जाती हैं वे असंख्य हैं। वे अपने मांस के सड़ने के दर से गुजरते हैं। कुछ लोगों को कीड़े खा जाते हैं और उनका लहू चूस लिया जाता है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। उनके अंग पक्षियों के द्वारा नोच लिए जाते हैं या भयंकर जानवरों के द्वारा। उनमें से कुछों के ऊपर बड़ी बड़ी चट्टाने आ जाती हैं जो जलन से तप रही होती हैं, और कुछ बहुत ही तपती हुई जगह पर खड़े रहते हैं। कुछों को जलती हुई ज्वाला में, उबलते हुए पानी में या गंदे पानी के द्वारा जिसमें गंदी बदबू होती है सजा दी जाती है। कुछ लोगों को नरक के दूत, जो बहुत ही भयानक दिखते हैं, सीधे रूप से उन्हें हथियारों के द्वारा ताड़ना देते हैं। वे बहुत प्रकार की विधियों का इस्तेमाल करते हैं ताकि उस यातना में दर्द अधिक बढ़ा सकें। प्यारे भाई और बहनों, स्वर्ग का स्थान ऐसा स्थान है जो भले परमेश्वर से संबंध रखता है। वो केवल खुशियों से भरा हुआ स्थान है। वो इसीलिए क्योंकि जब परमेश्वर ने स्वर्गीय राज्य को बनाया, पिता परमेश्वर ने अपनी पूरी बुद्धि का इस्तेमाल किया ताकि अपनी संतान को सबसे महान खुशियां दे सकें। परंतु नर्क सटीक रूप से स्वर्ग के बिल्कुल विपरीत स्थान है। वो केवल दर्द और पीड़ा से भरा हुआ स्थान है। खास तौर पर निचली कब्र वो स्थान है जहां दुष्ट आत्माएं अपनी पूरी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं ताकि अधिक से अधिक दर्द और पीड़ा दे सकें। हालांकि सामान्य रूप से निचली कब्र भी परमेश्वर के वश में है, परंतु परमेश्वर प्रत्यक्ष रूप से उसका संचालन नहीं करता। ये वो क्षेत्र है जो उसने दुष्ट आत्माओं को दिया हुआ है, इसलिए जैसे वो चाहती हैं वैसे उसका संचालन करती हैं। निचली कब्र का मुख्य लूसीफर है, जिसने परमेश्वर के साथ विश्वासघात किया और दुष्ट आत्माओं का सरदार बन गई। इस लूसीफर के बारे में मैं विस्तार पूर्वक आपको तब बताऊंगा जब मैं आपको नरक कुंड के बारे में बताऊंगा। इसीलिए यदि कोई आत्मा निचली कब्र में जाती है, इसका मतलब यह है कि पूरी तरह से लूसीफर के हाथों में उसे सौंप दिया जाता है, जिसके अंदर कोई दया और कृपा नहीं, चाहे कुछ भी क्यों ना हो। जिस प्रकार से परमेश्वर प्रेम है, उसी प्रकार से उसके विपरीत लूसीफर और दुष्ट आत्माएं वो अपने आप में बुराई हैं। वे हमेशा ये सोचती हैं कि कैसे और भी अधिक दर्द हम आत्माओं को दे सकते हैं, अलग अलग प्रकार के बुरे तरीकों से उनको यातना देने के द्वारा। वो निचली कब्र को डरावना स्थान बना देते हैं। यदि हम इस पृथ्वी की ही बात करें तो यहाँ पर भी कितने प्रकार के यंत्र और यातना देने की विधियाँ हैं। सिर्फ उन्हें देखना या उनके बारे में सुनना ही डरावना लगता है। मनुष्यों के इतिहास में कुछ सत्तारूढ़ देश अपने उपनिवेशी देशों के राजविद्रोहियों को या युद्ध क्षेत्र में पकड़े हुए कैदियों पर क्रूर यातना दिया करते थे। वे यहां तक कि जीवित शरीर पर बहुत ही क्रूर चिकित्सक प्रयोग करते थे। कुछ लोगों को यातना इस कारण दी गई क्योंकि वे तानाशाह के विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे, और ऐसे बहुत से लोग थे जिन पर यातना उनकी आस्था के कारण दी गई। शुरुआती कलिसियाओं के बहुत से विश्वासी, उन पर भी यातना दी गई और वे शहीद हो गए अपनी आस्था के चलते। आप ऐसे कुछों ने अवश्य ही यातना के उन दृश्यों को फिल्मों में या ड्रामा में देखा होगा। वे तो खाली एक ड्रामा है, लेकिन हम कल्पना कर सकते हैं कि जो वास्तविक यातना है वो कितनी अभद्र होगी। उदाहरण के लिए, वे बड़ी बड़ी फटनियाँ, बड़ी बड़ी सुइयाँ अंगूठियों के नाखूनों के बीच में डाल देते हैं, जो बहुत संवेदनशील जगह है, और ऐसा कहा जाता है कि दर्द पूरे शरीर में होने लग जाता है। वे बड़ी बड़ी सुइयाँ
अंगूठियों के नाखूनों के नीचे डाल देते हैं। ये कितना दर्दनाक होगा। कभी कभार वो आपके अंगूठियों के नाखूनों को या पैरों के नाखूनों को एक एक करके निकाल देते हैं या एक एक करके दांतों को निकाल देते हैं और वे काली मिर्च का चूरा पानी में मिलाकर उनके चेहरों पर डाल देते हैं और वे आपत्तिजनक तरीके से कोई कठोर भोजन या कोई वस्तु उनके गले में डाल देते हैं और उन्हें मार देते हैं। वो मुंह को पानी में डाल देते हैं और तब तक इंतजार करते हैं जब तक वो डूब ना जाए, फिर उन्हें ऊपर निकालते हैं। 1970 के दशक में इस पूरे देश में हलचल मच गई थी क्योंकि एक विद्यार्थी यातना के कारण मर गया था। वो शरीर के अलग अलग हिस्सों को गर्म लोहे से या सिगरेट से दाग देते हैं और वे शरीर के ऊपर तेल डालकर उसमें आग लगा देते हैं और उस व्यक्ति को मार देते हैं। वे व्यक्ति को उल्टा लटका देते हैं और उसे डंडे से मारते हैं जब तक कि उसकी हड्डियां चकनाचूर ना हो जाएं और उसकी आंतें बाहर ना निकल जाएं। जब बिजली से किसी को यातना दी जाती है तो नसें फट जाती हैं और आंतें जल जाती हैं। वे एक व्यक्ति को घोड़ा गाड़े के पीछे रस्से से बांध देते हैं और तब तक भागते हैं जब तक कि उसका मांस फट ना जाए और हड्डियां ना दिखाई दें। महिलाओं के मामले में वे उन्हें कामुक लज्जा का एहसास कराते हैं और निंदनीय तरीके से न केवल शारीरिक बल्कि उन्हें मानसिक यातना भी देते हैं। और जो इस प्रकार की यातना से बच जाते हैं वे कहते हैं कि जीने से उनके लिए मरना अच्छा है। कुछ लोगों को अपने पूरे जीवन भर पीड़ा में रहना पड़ता है यातना से होने वाले दुष्परिणामों की वजह से। क्या आपने उन यातनाओं के बारे में जोसन वंश के इतिहास की किताबों में नहीं पढ़ा है? उनके हाथों और पैरों को अलग कर दिया जाता था। उनके हाथों और पैरों को बैल में बांध दिया जाता था और इस तरह से उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते थे। और उन्हें इस प्रकार का पीड़ादायक जीवन इसीलिए जीना पड़ता है क्योंकि वे मानसिक और शारीरिक दर्द से बाहर नहीं निकल सकते हैं। वे जो इस तरह से यातना के शिकार हुए हैं वे कहते हैं कि यह यातना न केवल देह को बल्कि आत्मा को भी नाश करती हैं। ये सब अंधकार की दुष्टात्माओं के द्वारा किया जाता है जो लोगों को इस तरह से कार्य करने के लिए उकसाती हैं। वे शत्रु दुष्ट और शैतान हैं। इस धरती पर लोगों की बुराई को देखने के द्वारा हम कल्पना कर सकते हैं कि दुष्टात्माएं कितनी क्रूर और निर्दयी है जब वे नर्क की सजा का संचालन करती हैं। शत्रु दुष्ट और शैतान वे आत्मिक प्राणी हैं। मनुष्यों की बुद्धि और सामर्थ्य से वे परे है, इसलिए वे आत्माओं को और भी कहीं अधिक और घुटन और बुरे तरीके से यातना दे सकती हैं, मनुष्यों के तरीकों से कहीं ऊपर। और जो सबसे ज्यादा भयानक बात है वो ये कि वे उन आत्माओं के दर्द में आनंद लेते हैं। यहां तक कि इस धरती पर भी ऐसा कहा जाता है कि जो दूसरों को यातना देते हैं उन्हें किसी प्रकार का दोष बोध नहीं होता, बल्कि उन्हें और अधिक आनंद मिलता है जब वो और अधिक क्रूरता से यातना देते हैं। और कभी कभार तो उनके बीच में मुकाबला तक होता है कि कौन कितनी निर्दयता को दिखा सकता है। मुझे कुछ कहानियां सुनने को मिली उनके द्वारा जो वियतनाम युद्ध में गए थे। वो कह रहे थे कि लोगों को मारने से सबसे पहले तो उन्हें बहुत डर लग रहा था, लेकिन दो या तीन या चार बार लोगों को मारने के बाद उन्होंने कहा कि उसके बाद उन्हें कुछ भी महसूस नहीं होता था। प्राचीन इतिहास के युद्ध के दौरान जो सैनिक है शत्रुओं के नाक और कानों को काट देते थे। ताकि वो मारे हुए लोगों की गणना कर सकें और उसी के हिसाब से उन्हें पुरस्कार दिए जाते थे कि उन्होंने कितने लोगों को मारा है। और कुछ लोग तो सैनिकों के द्वारा काटे गए नाक और कान को लेकर बेच देते थे। इसलिए जो लोग कमजोर होते थे जिनके पास कोई ताकत नहीं थी वे इस तरह से मारे जाते थे।
वे जो गरीब थे, जिनके पास कोई ताकत नहीं थी। यद्यपि दुष्टात्माओं के पास निचली कब्र के ऊपर अधिकार है, परंतु तो भी एक निश्चित सीमा तक ही वे आत्माओं को यातना दे सकते हैं, क्योंकि नर्क भी आत्मिक नियम के अनुसार चलता है। इसलिए वे वही सजा दे सकते हैं जो आत्माओं के पापों के आधार पर है। इसलिए दुष्टात्माएं उसी सीमा के भीतर कैसे वे सबसे अधिक दर्द को दे सकती हैं, ये तरीके ढूंढती रहती हैं। इसलिए उनकी क्रूरता चरम सीमा तक पहुंच जाती है। निचली कब्र की सजा नर्क के दूतों के द्वारा संचालित की जाती है। ये नर्क के दूत कौन है? वे लुसिफर के टहलुओं के समान हैं। वे निचली कब्र का संचालन लुसिफर की इच्छा और हृदय के अनुसार करते हैं। जो निचली कब्र का संचालन करते हैं वे परमेश्वर द्वारा रचित स्वर्गदूत हुआ करते थे। वे निचले स्तर के स्वर्गदूत थे। वे परमेश्वर के विरुद्ध हो गए और लुसिफर द्वारा भ्रष्ट कर दिए गए। यहूदा 1:6 में लिखा है, फिर जो स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर ना रखा वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में जो सदाकाल के लिए है बंधनों में रखा है, उस महान दिन के न्याय के दिन तक जब तक कि अंतिम महाश्वेत सिंहासन न्याय नहीं हो जाता, उसने उन्हें अनंत बंधनों में रखा है अंधकार में। इसलिए वे वहां पर है। उनमें से कुछ तो बाहर है जो कार्य कर रहे हैं, लोगों को इस तरह से सता रहे हैं, परंतु ज्यादातर भ्रष्ट स्वर्गदूत नर कुंड में डाले गए हैं और वहां बंधनों में हैं, और उनमें से कुछ निचली कब्र को चला रहे हैं और आत्माओं को यातनाएं देते हैं। कुछ विशेष मामलों को छोड़, जैसे कि मरी हुई आत्माओं को निचली कब्र में ले जाना, उनको छोड़ ज्यादातर निचली कब्र में रहते हैं। भ्रष्ट होने से पहले जब वे स्वर्ग में परमेश्वर का कार्य करते थे वो सब बहुत सुंदर दिखाई देते थे, परंतु उन्हें गिराए जाने के बाद उनकी सुंदरता खत्म हो गई। उनका रूप विकरालता से कुरूप हो गया। उनका रूप आमतौर पर अंधियारा होता है। उनमें से कुछ तो मनुष्यों के समान दिखते हैं और कुछ ऐसे हैं जो घृणित जानवरों के समान दिखते हैं। लय व्यवस्था 11 अध्याय में हम वहां पर सूरों समेत दूसरे घृणित जानवरों के बारे में पढ़ सकते हैं। नर्क के ये दूत श्रापित है और वे अत्यंत रूप से डरावने हैं। उनका रंग और बाल शैली अर्थात बालों को बनाने का तरीका ऐसा है जिसे परमेश्वर सबसे अधिक नफरत करते हैं, और वे घृणित चीजों से अपने देह को सजाते हैं। क्योंकि हम अंत के दिनों में जी रहे हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने शरीर को, अपने बालों को इस तरह से सजाते हैं। उनमें से कुछ डरावने दिखने वाले लोहे के कवच और सेना के जूते पहने हुए हैं। उनके शरीरों पर यातना के कुछ ऐसे हथियार लगे हुए हैं जो ऐसे दिखते हैं कि छूने मात्र ही वे लोगों के मांस को काट देंगे। उनमें से कुछों के पास तीखी तलवारें हैं, भाले हैं, कोड़े हैं उनके हाथों में। क्योंकि उनके पास अंधकार के ऊपर अधिकार है, इसलिए उनका रूप भयंकर रूप से दबंग दिखाई देता है, और वहां पर आत्माएं दुष्टात्माओं के चलने मात्र ही जोरदार प्रभावों को महसूस करती हैं, और वे उस आतंक के द्वारा दबाव में आ जाते हैं। उन कुरूप, डरावने और भयंकर नर्क के दूतों को देखना भी एक प्रकार की यातना है। वे उन पर यातना देते हैं जो निचली कब्र में जा चुके हैं। यहां तक कि छोटे बच्चों को भी क्रूरता से वे यातना देते हैं जो बोल तक नहीं सकते, क्योंकि लुसिफर का हृदय जैसा है वैसे ही नर्क के दूतों में जाता है। इसलिए लुसिफर की मूल बुराई उनमें भी दिखाई देती है। हालांकि नर्क के दूत निचली कब्र में जो भारी सजाएं होती हैं उनका संचालन करते हैं। प्यारे भाई और बहनों, निचली कब्र की सजा आमतौर पर 4 अलग अलग स्तरों में विभाजित है दर्द के परिमाण के आधार पर। वे जो इस जीवन में प्रभु को नहीं जानते थे और जिन्होंने विवेक के न्याय को पार नहीं किया, तुलनात्मक रूप से उनकी हल्की सजा होगी, परंतु वे जिनके विवेक मानो गर्म लोहे से दाग दिए गए हो, जैसे कि यहूदा इस्करियोती, उन्हें सबसे भारी सजा मिलेगी। सत्य को जानना और फिर विश्वास नहीं करना, अनुग्रह पाने के बाद विश्वासघात करना, ये महान पाप है बिना जाने हुए विश्वास ना करने से। इससे पहले कि 4 स्तर की सजा के बारे में मैं आपको बताऊं, सबसे पहले मैं बच्चों पर आने वाली सजा के बारे में आपको बताऊंगा। वे बच्चे जो यौवन अवस्था से पहले मर गए हैं उन्हें अलग स्थान में अलग प्रकार की सजा मिलेगी। 4 स्तरों की सजा उन वयस्कों पर लागू होती हैं
जो युवावस्था से ऊपर आ चुके हैं। यहां पर आप प्रश्न पूछ सकते हैं कि वे जो बचाए गए हैं वे 33 वर्ष के हो जाएंगे जब प्रभु वापस हवा में आएंगे। छोटे बच्चे भी 33 वर्ष के हो जाएंगे और जो बुजुर्ग अवस्था में मर गए थे वे भी 33 के हो जाएंगे। ये न्याय है। लंबे समय पहले 1980 में जब मैं प्रचार कर रहा था मैंने इसके बारे में बताया था किसी और कलीसिया में, तो इस तरह का प्रश्न मुझे प्राप्त हुआ कि जब बच्चा मर जाता है या फिर जब कोई पुरुष 80 की वर्ष में मर जाता है तो उन्हें स्वर्ग में ऐसा ही होना चाहिए, कैसे वे 33 वर्ष के बन सकते हैं? इसलिए मैंने उनसे कहा इस तरह से, तो फिर लोग एक लंबा जीवन क्यों जीना चाहते हैं? उन सबको तो जवानी में ही मर जाना चाहिए ताकि वे स्वर्ग में भी जवान रह सकें। मान लीजिए आपके माता पिता ने आपको 20 की उम्र में जन्म दिया और 20 की उम्र में वो मर गए, लेकिन आप 80 की उम्र में मर गए। अब आप स्वर्ग जाते हैं, वहां पर आपके माता पिता 20 वर्ष के हैं और आप 80 वर्ष के हैं। क्या आपको लगता है कि इस बात का कोई अर्थ बनेगा? इसलिए परमेश्वर के न्याय के आधार पर हर कोई 33 वर्ष का हो जाएगा, बराबर हो जाएगा उनकी उम्र में, उसी उम्र में जिस उम्र में हमारा प्रभु मरा। परंतु निचली कब्र में जो सजा है वो उम्र के आधार पर क्यों बांटी गई है? वो इसीलिए जो नरक में जाएंगे उनके पास वही रूप रंग होगा जिस रूप रंग में वे मरे। अगर वे बच्चे के रूप में मरे तो वे बच्चे के रूप में ही रहेंगे। यदि वे वयस्क होकर मरे तो वे वयस्क ही रहेंगे सदाकाल के लिए। उनका पुनरुत्थान में कोई हिस्सा नहीं क्योंकि उनके पास आत्मिक जीवन नहीं है। हालांकि उनके पास भी आत्मिक देह होगी जो उद्धार पाए हुए लोगों की पुनरुत्थान देह के समान है। इसलिए जब उन्हें सजा मिलती है तो वो उस दर्द को वैसे ही महसूस करते हैं। मुझे आशा है कि इस अंतर को आप समझ पाएं। यहां तक कि छोटा बच्चा जो ज्यादा कुछ नहीं जानता, यदि वो ऐसे परिवार में पैदा हुआ और पला बड़ा जिसके माता पिता के पास कोई विश्वास नहीं, तो उद्धार पाना उसके लिए मुश्किल है। पहली कुरिन्थियों में यह लिखा हुआ है, वे बच्चे जिनके माता पिता परमेश्वर पर विश्वास करते हैं वे धन्य हैं, आशीषित हैं। हालांकि उनमें से कुछ तो विवेक के न्याय को उत्तीर्ण करेंगे, परंतु अगर वे उत्तीर्ण नहीं कर पाए, अगर उनके पास बुरे विवेक हुए तो उनकी आत्मा नरक में गिर जाएगी। परंतु उनके पाप बड़ों से कहीं ज्यादा कम हैं, इसलिए उनकी सजा भी तुलनात्मक रूप से काफी हल्की होगी। उनकी सजा ऐसी होगी उन छोटे बच्चों के लिए कि वे डर, भूख, दर्द को महसूस करेंगे सहज ज्ञान से। नरक के दूतों की सजा से ये कहीं ज्यादा हल्की है, लेकिन उन छोटे बच्चों के लिए यह दर्द भी असहनीय है। उनमें से नए जन्मे बच्चे जो चल और बोल तक नहीं सकते, उन्हें बड़े और अलग स्थान में डाल दिया जाता है। उनकी चेतना और शारीरिक रूप वही होता है जो उनके पास मरने के समय इस धरती पर था। वे वास्तविकता में कुछ समझ नहीं सकते हैं और ना ही इधर उधर चल सकते हैं स्वयं से। वे अपने माता पिता के बारे में नहीं जानते। वो ये भी नहीं जानते कि वे नरक में हैं। वे ये भी नहीं जानते कि वे कहाँ हैं। बस अपने सहज ज्ञान के कारण भूख की वजह से वे रोते हैं। जब वे रोते हैं तो नरक के दूत आते हैं उनके पेट में, उनके अंगों में, उनकी आंखों में, अंगूठियों के नाखूनों में या पैरों के नाखूनों में, अपने औजारों से उन्हें चोबते हैं और फिर वो बच्चे और भी अधिक रोते हैं। पूरा स्थान उनकी रुलाहट से भर जाता है और नरक के दूतों को ये बड़ा मनोरंजक लगता है। और जब नरक के दूत इन बातों से ऊब जाते हैं तो वो एक बच्चे को उठाते हैं और हवा में घुमाने लग जाते हैं। और इस तरह से जब बच्चे का शरीर गुब्बारे के समान फूल जाता है तो वे बॉल के समान उसके साथ खेलते हैं। और वे जो उनसे भी पहले मर गए, वे जो गर्भस्थ शिशु के रूप में ही मर गए, वे भी नहीं बचेंगे। वे भी निचली कब्र में गिर जाएंगे और वे भी पीड़ा उठाएंगे अगर वे उद्धार नहीं पाएंगे।
मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर की वे सभी संतान जो उद्धार पाए हुए हैं, वे सब 33 वर्ष के हो जाएंगे और श्वेत वस्त्रों को पहनेंगे जब प्रभु हवा में आते हैं। और जब वे स्वर्ग के राज्य में जाएंगे तो और भी शानदार और भी अद्भुत वस्त्र पहनेंगे उनकी विश्वास योग्यता और पवित्रीकरण के आधार पर। वे जो नर्क में जाएंगे उनके कपड़े भी बदल जाएंगे जब वे निचली कब्र में गिरेंगे। वे फटे हुए चिथड़े वस्त्र पहनेंगे, वे वहां यहां से फटे हुए होंगे, बहुत सी गंदी चीजों से दाग दाग होंगे। वे कपड़ों से कहीं ज्यादा चिथड़े नजर आएंगे। वे फटे वस्त्र तुलनात्मक रूप से तो भी अच्छे हैं, उनमें से कुछ तो कपड़े के एक छोटे से टुकड़े से अपने देह को छुपाएंगे और कुछ तो पूरी तरह से नंगे होंगे। उनकी बुराई और पापों के आधार पर उनके वस्त्र उतने ही शर्मनाक होंगे। इस धरती पर किसी व्यक्ति का चरित्र चाहे कुछ भी क्यों ना हो, तो अभी वो अच्छा व्यवहार पा सकता है यदि उसके पास संपत्ति है, विख्याति है, सामाजिक सामर्थ्य है और योग्यताएं हैं। लोग तो भी उनकी सेवा करेंगे, कम से कम बाहरी रूप से ही सही, परंतु नर्क में प्रत्येक के साथ व्यवहार मनुष्यों के व्यवहार से भी नीचा होगा। वो जिनके पास इस धरती पर अधिकार था, उनकी पीड़ाएं और भी अधिक होगी। निचले कब्र में निर्दयी नर्क दूतों के द्वारा ऐसा व्यवहार किया जाएगा जो जानवरों से, कीड़े मकौड़ों से भी बदतर है। निचली कब्र ऐसा स्थान है उन लोगों के लिए जो उद्धार नहीं पाते हैं, जहां पर नर्क की आग की झील और गंधक की झील में डाले जाने से पहले उन्हें रखा जाता है। न्याय के अनुसार हर कोई या तो स्वर्ग में जाएगा या नर्क में जाएगा उनके मरने के बाद। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, यहां तक कि नए जन्मे बच्चे भी नहीं बच सकते। यदि उद्धार पाए बगैर ही वे मर गए तो वे निचली कब्र में जा गिरेंगे। गर्भस्थ शिशुओं के साथ भी ऐसा ही होगा जो जन्म लेने से पहले ही मर गए। यदि वे 6 महीने से पहले मर गए तो उनका अंत वहीं पर है, क्योंकि उन्हें आत्मा नहीं मिला था, परंतु 6 महीने के बाद आत्मा दिया जाता है। इसलिए बिना उद्धार के अगर वो मर गए तो वो आत्मा निचली कब्र में जा गिरेगी। हालांकि ज्यादातर गर्भस्थ शिशु उद्धार पाते हैं, ऐसे बहुत कम मामले हैं कि ना जन्मा बच्चा उधार ना पाए, परंतु कुछ ही ऐसे हैं जो उधार नहीं पाते। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने माता पिता से बहुत बुरे स्वभाव को प्राप्त किया है। जब माता पिता या पूर्वज परमेश्वर के विरुद्ध खड़े होते हैं और बहुत सी बुराई करते हैं तो इसका प्रभाव उनके गर्भस्थ शिशु पर पड़ता है, परंतु उनके पास कोई अनुभूति नहीं होती, इसलिए जन्म लेने से पहले ही वे मर जाते हैं। इसीलिए वे कोई पाप तो नहीं करते, ना ही क्रियाओं में ना विचारों में। दूसरे शब्दों में उनके पास कोई स्वयं के किए हुए पाप नहीं होते, इसीलिए उन पर यातना वयस्कों के समान नहीं पड़ेगी। वे नए जन्मे शिशुओं के समान ही निचली कब्र में वीराने में डाल दिए जाएंगे। उनकी मां के गर्भ की गर्माहट और आरामदायक दशा को उनसे छीन लिया जाता है और वे वीराने में डाल दिए जाते हैं। ये उनके लिए सजा होती है। मैंने आपको बताया कि वे जो नर्क में जाएंगे उनका रूप रंग वैसा ही होगा जैसा वे मरने पर थे। वे जो जवानी में मर जाते हैं उनकी मानसिक योग्यता और शारीरिक रूप रंग उसी उम्र की होगी। अगला, आइए हम नन्हे बच्चों के बारे में बात करेंगे। नन्हे बच्चे जो कुछ शब्द बोल पाते हैं जब वे उद्धार नहीं पाते हैं, उन्हें भी उनकी उम्र के आधार पर निचली कब्र में अलग स्थान में रखा जाएगा। वो स्थान आत्माओं से भरा रहता है जो एक ही उम्र के होते हैं। उन आत्माओं को भी ज्यादा ज्ञान और समझ नहीं होती हैं। वे बहुत छोटे होते हैं कि सिद्धांतिक रूप से सोच सके या न्याय कर सकें। इसलिए वो भी सहज ज्ञान के अनुसार ही दर्द को महसूस करते हैं और अनुभव करते हैं। वे ये भी नहीं जानते कि क्या वे मर गए हैं, क्या वे नर्क में हैं, परंतु तो भी अपने माता पिता की उनके पास यादें होती हैं। इसीलिए वे उन्हें बुलाते हैं रोते हुए। वे अपनी मम्मी को बुलाते हैं ये सोचते हुए कि मैं यहां क्यों हूं और मैं कहां हूं, मम्मी पापा कहां हैं, मैं वापस घर जाना चाहता हूं। जब किसी भीड़भाड़ जगह में, जैसे कि बाजार या कोई मनोरंजन स्थल हो, बच्चे अपनी माँ को खो बैठते हैं या वो खो जाते हैं तो वो बहुत अधिक डर जाते हैं, रोने लग जाते हैं। तो फिर ये बच्चे कितने अधिक डरे हुए होंगे
क्योंकि वे इतनी डरावनी निचली कब्र में हैं जहां पर उनके माता पिता नहीं हैं उन्हें सुरक्षा देने के लिए। उनके लिए यह असहनीय आंतक है। जब वे जिंदा थे, यदि वे गिर जाते थे, अगर उनके घुटनों पर चोट लग जाती थी तो उनकी मम्मी आती थी। लेकिन इस वक्त लहू बहते हुए वे अपनी मम्मी को पुकार रहे हैं, लेकिन उनकी मम्मी कहीं दिखाई नहीं देती। और वो स्थान उन बच्चों की रुलाहट, कराहट से और साथ ही साथ डरावनी और मनहूस हंसने वाली आवाजों से भरा रहता है। वे नहीं जानते कि वे क्या करें। और इसी बीच में नर के दूत आते हैं, उन्हें कोड़े मारते हैं, उनके पूरे शरीर पर चलते हैं। वे बहुत अधिक डर जाते हैं और उनमें से कुछ लड़खड़ाते हुए भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां पर भागने का कोई स्थान नहीं है जो बच्चों से भरा हुआ है। वे यहाँ वहाँ जाते हैं, उनके चेहरे पर आंसू रहते हैं, बहती हुई नाक रहते हैं, वे एक दूसरे के ऊपर ही चढ़ते हैं। वे जख्मी हो जाते हैं, उनकी नसें फट जाती है, जख्मी हो जाते हैं। वे इस तुच्छ स्थान में अपनी मम्मी पापा को याद करते हैं और वो दर्द और भूख से चिल्लाते हैं। जो बच्चे अच्छे से दौड़ सकते हैं और बोल सकते हैं उन्हें मिलने वाली सजा के बारे में अब मैं बताऊंगा। मोटे मोटे तौर पर यह 3 से 5 साल की उम्र के बच्चे हैं। इन छोटे बच्चों के लिए, दूसरे शब्दों में, जन्म से लेकर 5 वर्ष की उम्र तक उनका उद्धार माता पिता के विश्वास के ऊपर आधारित होता है, खासतौर पर माँ के विश्वास के आधार पर। हालांकि इन बच्चों का भी विवेक का न्याय होगा, परंतु उन्हें इस निचली कब्र पर जाना पड़ता है यदि वे विवेक के न्याय को उत्तीर्ण ना करें। इन बच्चों को भी उनकी उम्र के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है और उन्हें अंधियारे और खुले स्थान पर रखा जाता है। वे ऐसे भागते हैं वहां पर जैसे कोई पागल हो। वे नर के दूतों से भागने की कोशिश करते हैं जो 3 दांतों वाले भाले के द्वारा उनका पीछा करते हैं। नर के दूत उन भालों को बच्चों की पीठ पर घुसा देते हैं। जिस प्रकार से शिकारी के सामने से शिकार भागता है, वैसे ही वे उन्हें भी भगाते रहते हैं। क्या आप जानते हैं कि 3 दांतों वाला भाला कौन सा होता है? ये वो भाला है जो खाने वाले कांटे के समान होता है। वे भागते रहते हैं अपने छोटे छोटे टांगों से और अंत में वे एक पहाड़ी पर पहुंच जाते हैं। उस पहाड़ी के नीचे उबलता हुआ पानी होता है। सबसे पहले तो वे तुरंत ही उसमें छलांग नहीं लगा पाते हैं, परंतु उन नर के दूतों से छुटकारा पाने के लिए वो छलांग लगा देते हैं ताकि उनमें भाला ना चुभा जाए। जैसे ही वे छलांग लगाते हैं तो भाले के दर्द से तो वे छूट जाते हैं, लेकिन जल्दी ही उबलते हुए पानी के दर्द में वे चले जाते हैं। उबलता हुआ पानी उनके नाक में, उनके मुंह में चला जाता है और वो पानी से कम अपना सर बाहर रखने की कोशिश करते हैं। ऊपर से जब नर के दूत इस दृश्य को देखते हैं तो वे उन बच्चों का मजाक उड़ाते हैं। वे उनके माता पिता का भी उपहास उड़ाते हैं ये कहते हुए कि किसने उन्हें नर्क भेजा, कौन है उनके माता पिता, उनके माता पिता को भी यहां लाओ कि हम उन्हें ये दृश्य दिखाएं। कुछ समय तक उबलते हुए पानी में पीड़ा उठाने के बाद वे बच्चे जिस प्रकार से हुक से मछली को निकाला जाता है वैसे उन्हें बाहर निकाला जाता है और फिर उन्हें उसी स्थान पर रखा जाता है जहां से उन्होंने भागना शुरू किया था। और उसके बाद यह पूरी प्रक्रिया बार 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 दोहराई जाती है शुरुआत से, और यह फिर चलता और चलता ही रहता है जिसका कोई अंत नहीं। प्यारे भाई और बहनों, अब मैं आपसे उन बच्चों के बारे में बताऊंगा जिनकी उम्र 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक की है। वे जो इस उम्र में मर जाते हैं उन्हें ऐसे स्थान में रखा जाता है जहां नदी होती है, परंतु वह नदी पानी की नदी नहीं बल्कि खून की नदी होती है। ये वो नदी है जो उन आत्माओं के लहू से बनी है जिन्हें निचली कब्र में सजा दी जाती है। उनके शरीर का हर अंग फाड़ दिया जाता है, यातना से तोड़ दिया जाता है और उसे खून बहता है, और जल्दी ही वे पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। फिर से उन्हें काटा जाता है, फाड़ा जाता है कि और अधिक लहू बहाएं। जब ये यातना चलती रहती है क्योंकि वहां पर बहुत सारी आत्माएं हैं निचली कब्र में, इसलिए उनका लहू एक नदी बन जाता है।
इस धरती पर भी किसी युद्ध क्षेत्र में या फिर जहां नरसंहार होते हैं, लहू बहने के परिणाम स्वरूप वहां पर भी लहू का पोखर बन जाता है। और ये स्थान लहू और नरसंहार के गंध से भरे रहते हैं और सड़न की दुर्गंध हर जगह आती रहती है। यदि हम इस धरती की बात करें तो गर्मियों में बहुत से कीड़े मकौड़े आते हैं और महामारियां हो सकती हैं, लेकिन निचली कब्र में लोगों का लहू उसका खाली पोखर नहीं बनता बल्कि बड़ी नदी बन जाती है। 6 से लेकर 12 उम्र तक के बच्चे उस नदी में गाड़े जाने के लिए उस नदी के चारों ओर उस गंध में खड़े रहते हैं। जितना महान जिसका पाप होगा उतना नजदीक वो नदी में और उतना गहरा वो नदी में गाड़ा जाएगा। और वे जो नदी से दूर होते हैं उन्हें नदी में नहीं गाड़ा जाता है, परंतु अपने निर्बल चेहरों के साथ वे जमीन को खोदते रहते हैं अपने नंगे हाथों से कि उन्हें कुछ खाने को मिल जाए। लेकिन जमीन कठोर होती है और उसे केवल उनके हाथ ही जख्मी हो जाते हैं, उन्हें कुछ नहीं मिलता। उनके नाखून उखड़ जाते हैं और उनकी अंगुलियों से खून बहने लग जाता है। जैसे जैसे आप नदी के करीब आते जाओगे तो ऐसे बच्चे हैं जिन्हें आधा गाढ़ा जाता है, वे भी कुछ ना कुछ खाने को ढूंढते हैं और अंत में वे एक दूसरे को ही काटते हैं। वे बच्चे जो इससे भी अधिक बुरे हैं वे उनकी गर्दन तक गाड़े जाते हैं नदी के बहुत करीब। वे नदी से निकलने वाली अत्यंत दुर्गंध से पीड़ित रहते हैं और साथ ही हानिकारक कीड़े मकौड़े जो मच्छर मक्खियों के समान दिखते हैं नदी से निकलते हैं और उनके चेहरों को काटते हैं, क्योंकि उनके शरीर गाढ़े गए हैं। इस कारण वे उन मक्खी मच्छरों को भी नहीं उड़ा पाते, क्योंकि वे मक्खी मच्छर उन्हें काटते हैं इसलिए उनके चेहरे बहुत अधिक सूज जाते हैं, इतने सूज जाते हैं कि उन्हें पहचाना नहीं जा सकता। लेकिन उनका दर्द वहीं समाप्त नहीं होता। नर के दूत नदी के किनारे आपस में बात करेंगे, वे हंसेंगे, वे इतनी जोर से हंसेंगे कि बच्चों के कान के पर्दे फट जाते हैं। तीखे औजारों से लदे हुए हथियार बंद वस्त्रों को पहने हुए ये नरकदूत उन बच्चों के ऊपर बैठ जाते हैं और साथ ही अपने जूतों से वो बच्चों को कुचल देते हैं जिसमें तीखे हथियार लगे होते हैं। और ये तीखे हथियार ऐसे होते हैं कि छूने मात्र ही बड़ा जख्म बन जाता है। उनके बालों के बड़े बड़े गुच्छे फाड़ कर निकाल दिए जाते हैं और उनके सिर की त्वचा फट जाती है, उनके चेहरे फट जाते हैं। जब परमेश्वर ने इसे मुझे बताया था वो बखान और भी कहीं ज्यादा क्रूर था, परंतु मैंने इसे कम क्रूर बनाने की कोशिश की है ताकि आप इसे सुन सकें। परंतु आपको पता होना चाहिए कि वहां पर वास्तविकता में अत्यधिक क्रूरता है। आपको आश्चर्य हो सकता है कि ऐसे छोटे बच्चों ने कौन सी बुराई की होगी कि उन्हें इस तरह की सजा मिल रही है, परंतु यहां तक कि छोटे बच्चे के अंदर भी मूल पाप होता है और वे भी बहुत से पाप करते हैं। आत्मिक नियम जो कहता है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, यह सभी पर लागू होती है चाहे उम्र कुछ भी क्यों ना हो। जितना कोई अधिक बुराई करता है उतनी ही गंभीर सजा वो पाता है। उदाहरण के लिए दूसरा राजा 2 अध्याय 23 और 24 पद कहता है, वहां पर हम देख सकते हैं कि छोटे बच्चे कितने बुरे बन सकते हैं और उसका दंड कितना भयानक हो सकता है। जब एलिशा जो परमेश्वर का जन था यरोही से निकलकर बेतेल को जा रहा था तो शहर से निकलकर बच्चे उसका उपहास उड़ाने लग गए और अंत में एलिशा ने उनको श्रापित किया और जंगल में से 2 रिशनियां निकल आई और 42 बच्चों को फाड़ खाया। इन बच्चों के प्राण जो वहां मर गए थे वे उनकी गर्दन तक लहू की उस नदी के बहुत करीब गाड़े गए हैं। एलिशा ने उन बच्चों को सिर्फ ऐसे ही श्राप नहीं दिया कि उन्होंने थोड़ी सी बातें बोली होगी, थोड़ा सा मजाक उड़ाया होगा। काफी समय तक वे एलिशा के पीछे चल रहे थे, लगातार उसका मजाक उड़ा रहे थे, सिर्फ बातों से ही मजाक नहीं उड़ा रहे थे। इसलिए बाइबल बड़ी विस्तार पूर्वक स्थिति के बारे में बताती है। शहर के अंदर से वो एलिशा का मजाक उड़ा रहे थे,
और शहर के बाहर तक वो उसका पीछा कर रहे थे। खाली बातें कहकर ही वे मजाक नहीं उड़ा रहे थे, वे उस पर पत्थर मार रहे थे। मुझे मेरा बचपन याद है, जब बुरे बच्चे इकट्ठा होते हैं और किसी को सताते हैं तो खाली वो बातों से ही ऐसा नहीं करते, बल्कि वो पत्थर मारते हैं, उसे भगाते हैं, यहाँ तक कि डंडे से भोंकने की कोशिश करते हैं। और यह कारनामा तो हजारों वर्ष पहले हुआ था, जब लोगों के पास आज की तुलना में कहीं ज़्यादा भलाई थी। बावजूद इसके वे एक वयस्क को कठिनाई दे रहे थे, खासतौर पर परमेश्वर के नबी को, जो परमेश्वर के सामर्थ्य प्रकट करता था। हम देख सकते हैं कि वे बच्चे कितने बुरे थे कि एलिशा का श्राप तुरंत ही उनके ऊपर आ पड़ा। परंतु क्योंकि एलिशा परमेश्वर का नबी था, उसे बच्चों को श्राप नहीं देना चाहिए था। क्योंकि एलिशा ने बच्चों को श्राप दिया, इसीलिए बाइबल में केवल वही एकमात्र ऐसा नबी है, परमेश्वर के सभी नबियों में एकमात्र नबी पूरे बाइबल में, पुराने से लेकर नए नियम में, जो बीमारी से मरा। कुछ बच्चे 6 से 12 वर्ष के बीच में उनका विवेक का न्याय होता है, लेकिन उनमें से ज्यादातर अपने विश्वास के द्वारा बचाए जाते हैं। निचली कब्र में ये बच्चे उनके अपने पापों की वजह से भयंकर दंड प्राप्त करते हैं। आज यदि हम समाचार को देखें तो हम देख सकते हैं कि आज के जो बच्चे हैं बुराई से कहीं ज्यादा धावित हैं, क्योंकि यह समय का अंत है और पाप से भरा हुआ है। हम बच्चों की बुरी बातों से और भी अधिक हैरान होते हैं। उदाहरण के लिए, वे दूसरे बच्चों को निकाल देते हैं, उन्हें डराते हैं, क्योंकि वो उन्हें पसंद नहीं, वो इसलिए ऐसा करते हैं। वे दूसरे बच्चों की पिटाई करते हैं, उनके पैसे छीन लेते हैं और उन्हें ऐसी मुश्किल में डालते हैं कि वे आत्महत्या कर लेते हैं। कुछ बच्चों को तो अपना स्कूल बदलना पड़ जाता है, क्योंकि उनके स्कूल के दिन बहुत मुश्किल के होते हैं, इसलिए उन्हें ऐसा करना पड़ता है। ऐसे भी बच्चे हैं, यहां तक कि प्राथमिक कक्षा का विद्यार्थी भी, वो भी गैंग बनाता है, अपराध करता है। कुछ लोग तो थोड़े से पैसे के लिए खून कर देते हैं। और अधिक भी भयानक चीज यह है कि ऐसा करते वक्त उनके दिमाग में कोई दोष ही महसूस नहीं होता। ये आज की स्थिति है। वे बच्चे जिन्हें बड़ों से शुद्ध होना चाहिए, वे इस सीमा तक बुराई से धावित है। ये कुछ ऐसा है जिसे 20 या 30 साल पहले कल्पना करना भी संभव नहीं था। और अब क्या आपको लगता नहीं कि आपको जगत की नमक और ज्योति बननी है, कि आप इस संसार में प्रकाशमान हो? अगले सत्र में मैं 4 प्रकार की सजा के बारे में आपको बताऊंगा, जो उन लोगों पर पड़ती हैं जो युवावस्था से पहले होते हैं। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, विशेष तौर पर वे जो माता पिता है, आपके बच्चों के बारे में क्या होगा? क्या वे इस संसार के अंधकार से अलग है? विश्वासी बच्चों के रूप में उनका पालन पोषण हो रहा है? यदि नहीं, तो मुझे आशा है कि सबसे पहले आप अपने आप को जांचें। बच्चे शीशे के समान होते हैं जो अपने माता पिता को दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए, शमूएल को पैदा होने के बाद परमेश्वर के मंदिर में दे दिया गया। उसने बचपन से ही परमेश्वर की आवाज को सुना और बाद में इज़राइल का महान नेता वो बन पाया। उसकी मां हन्ना, वो शमूएल के साथ दृढ़ता से खड़ी थी, विश्वास के साथ उसने वाचा बांधी थी कि अगर परमेश्वर उसे संतान देगा तो वह उस संतान को परमेश्वर को दे देगी। उसने अपना मन नहीं बदला। शमूएल को पाने के बाद उसने अपनी वाचा को पूरा किया। उसने बच्चे शमूएल को परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया। इसलिए हन्ना ने महान आशीष प्राप्त की और शमूएल परमेश्वर का महान भविष्यद्वक्ता बना। सबसे महत्वपूर्ण अपने बच्चों को विश्वास में बढ़ाने के लिए यह है
कि माता पिता परमेश्वर के सामने धर्मी हो, उन्हें अच्छा उदाहरण स्थापित करना है। यदि माता पिता परमेश्वर से प्रेम करें, वचन पढ़ें, सदैव प्रार्थना करें, तो बच्चे भी वैसा ही करेंगे। यदि पति और पत्नी एक दूसरे की सेवा करें और बच्चों की भी, तो बच्चे भी दूसरों को प्रेम करेंगे और सेवा करेंगे। हालांकि माता पिता को अपने बच्चों के साथ सत्य भरे हृदय से ऐसा करना है, और साथ ही जब वास्तविकता में वे परमेश्वर के हाथों में अपनी संतान को सौंपते हैं तो परमेश्वर उनकी देखरेख करता है, उन्हें भटकने नहीं देता। प्रिय माता पिताओं, यहां तक कि छोटा शिशु वो भी प्रार्थना कर सकता है अगर आप उसे प्रार्थना करना सिखाएं। वे अपनी आंखें बंद करेंगे अपने हाथ जोड़ते हुए, आमीन कहते हुए। यदि वे पवित्र आत्मा से भरे हैं तो यहां तक कि आंगनवाड़ी का बच्चा भी आंसू के साथ बहती हुई नाक से पश्चाताप करेगा, अन्य भाषाएं बोलेगा। जैसा उन्हें सिखाया जाता है वे वैसा ही करते हैं, क्योंकि उनके हृदय शुद्ध होते हैं। मुझे आशा है कि प्रेम और धीरज से आप अपने बच्चों की अगुवाई करें ताकि वे परमेश्वर का आदर करना सीख सकें। तो फिर आपको भी तसल्ली मिलेगी जब आपका बच्चा अच्छे से पलेगा बढ़ेगा परमेश्वर के वचनों में रहकर। तो फिर अगर वो ऐसा बच्चा बने जो परमेश्वर से प्रार्थना करे, बाइबल पढ़ें, अच्छे से पढ़ाई करें, तो आपको बहुत खुशी होगी। परंतु अगर आप अपने बच्चे को अच्छे से ना सिखाएं तो वे आपके हृदय को ठेस पहुंचाएंगे, इसलिए आपको सत्य में उन्हें सिखाना है। और साथ ही मैं आपसे विनती करता हूं कि आप प्रेम का परिवार बने और अपने बच्चे को इस मुश्किल संसार से बचाए रखें। आप कल्पना भी नहीं करना चाहेंगे कि आपका बच्चा ऐसे भयानक नरक में गिर रहा है जैसा आपको बताया गया। भजन संहिता 127 अध्याय 3 पद कहता है, देखो लड़के यहोवा के दिए हुए भाग है, गर्व का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। आप माता पिता होने के नाते अपने सारे कामों को पूरा करें प्रेम और समर्पण के साथ, और प्रभु के सामने कह सकें कि मैंने आपकी बहुमूल्य आत्मा को आपके पास लाया है, और आप महान प्रतिफल प्राप्त करें। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ।